जिम्मेदारी दे दी। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दिल्ली वालों का ये एहसान मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मैं, मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं जैसे अपने परिवार का, अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिली, उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के हाथ आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफ़ी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, तीर्थ यात्रा फ्री की, महिलाओं का सफर फ्री किया, तो पैसा बचा बचा के जनता तक पहुंचाती है। यही पैसा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले क्यों नहीं हुआ, और लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है सारा पैसा, नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में सारा पैसा, एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है। तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ, जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1000-1000 रुपये देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका बहुत एहसान है।